प्यारे बच्चों, लॉकिंग डिवाइस की अगली कड़ी में जो लॉकिंग डिवाइस है स्प्लिट पिन नट है। स्प्लिट पिन नट में यह नट सामान्य नट ही होता है। इसको मशीन बॉडी के ऊपर कस दिया जाता है। स्प्लिट पिन की सहायता से बोल्ट को लॉक किया जाता है। बोल्ट की केंद्रीय अक्ष पर होल में स्प्लिट पिन को आर पार प्रविष्ट करने के पश्चात स्प्लिट पिन की लेग को विपरीत दिशाओं में मोड़ दिया जाता है ताकि स्प्लिट पिन बोल्ट में बने होल से स्वतः बाहर न निकल सके और नट भली भांति लॉक भी हो जाए। होल का व्यास बोल्ट के व्यास डी का 0.2 गुना रखा जाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि एक गोल टेपरित स्प्लिट पिन नट को कसने के पश्चात बोल्ट में प्रविष्ट करा करके लॉक कर दिया जाता है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि दो व्यू दर्शाए गए हैं। पहला व्यू एलिवेशन है। एलिवेशन में नट एक्रॉस टू कॉर्नर बनाया जाएगा। नट की थिकनेस मीन्स टी इक्वल टू डी बोल्ट के व्यास के बराबर नट की मोटाई रखी जाती है। नट से ऊपर की तरफ 0.4D बोल्ट बाहर निकला हुआ होता है। स्प्लिट पिन के लिए होल 0.2D बनाया जाता है। यह लॉकिंग डिवाइस साधारणतः लॉकिंग डिवाइस होती है। प्लान में हम आपको दिखाएंगे कि स्प्लिट पिन हेक्सागोनल में आपको बना हुआ दिख रहा है। बोल्ट के व्यास और थ्रेड के मध्य डॉटेड करके दिखाया गया है क्योंकि स्प्लिट पिन जब बोल्ट में डाल देंगे तो दिखाई नहीं देता है। ये एक्रॉस टू कॉर्नर 2D होता है और एक्रॉस टू फ्लैट 1.5D प्लस 3mm है। इसके सारे डायमेंशन डी के फॉर्म में कैलकुलेट करके निकाल लें और उसी कैलकुलेशन से प्राप्त जो डायमेंशन है उसी के आधार पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लें। थैंक यू।